हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एके टेक्निकल स्टार में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 10th 12th की बोर्ड की मार्कशीट के बारे में। तो दोस्तों, आप घर बैठे फ्री में ही 10th और 12th की मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो दोस्तों, आप किस प्रकार से डाउनलोड कर पाओगे, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी जो पूरी डिटेल है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को स्किप ना करें। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाला अगला वीडियो आपको जल्द ही नोटिफिकेशन में मिल सके। तो दोस्तों, अपन चलते हैं, गूगल खोलते हैं। फ्रेंड्स, गूगल खोल के उसमें डिजी लॉकर सर्च करना है। सर्च करने के बाद में फ्रेंड्स, डिजी लॉकर की वेबसाइट आ जाएगी, उसको खोल लेना है। डिजी लॉकर की वेबसाइट खोलने के बाद में फ्रेंड्स, आपको दिख जाएगा digilocker.gov.in। ये डिजी लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट है। पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये डिजी लॉकर में अवेलेबल करवा दिए हैं। इसमें अपन अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड बना के आधार नंबर उसमें लिंक करके डिजी लॉकर आईडी में और अपनी जो आईडी है उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे आपकी मार्कशीट गुम हो गई तो आप घर बैठे ही निकाल सकते हैं, कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने पास यूज़र आईडी नहीं है तो सबसे पहले अपन को यूज़र आईडी बनानी है, सिग्न अप पे क्लिक करना है। सिंगअप पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों, आपके सामने आ जाएगा, ये इंटरफेस आ जाएगा, क्रिएटिंग अकाउंट इज़ फास्ट एंड ईजी। इसमें फ्रेंड्स, आपको अपना नाम भरना है, जो आपका नाम आधार कार्ड में है वो भरना है। उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, मेल फीमेल भरना है, और आपका मोबाइल नंबर है वो भरना है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको 6 डिजिट का पिन नंबर बनाना है, वो भरना है, जो भी आपके मनपसंद हो। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी भरनी है और आधार कार्ड के नंबर भरने हैं और इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में फ्रेंड्स, आपका जो आधार है उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद में आपको यूज़र आईडी बना के पासवर्ड बना लेना है और सेव कर देना है। इस प्रोसेस को फ्रेंड्स कंप्लीट करने के बाद में आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी फ्रेंड्स बना ली है, मैं आपको ये पूरी डिटेल बता रहा हूँ, इस हिसाब से आप भर लो इसको और रजिस्ट्रेशन कर लो। मैं एक बार लॉगिन कर देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसमें आधार नंबर भर लिए और मेरा जो सिक्योरिटी पिन है वो भर लिया और मैं साइन इन कर देता हूँ। करने के बाद में फ्रेंड्स, मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी मेरा आ गया 4553804553380। मैंने भर दिया और सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद में फ्रेंड्स डैशबोर्ड खुलने के बाद में गेट इशू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स, आपने इशू कर रखे हैं वो आ जाएंगे। अब आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हो वो कर सकते हो, पूरे स्टेट के आ गए। फ्रेंड्स, अपने को मार्कशीट डाउनलोड करनी है तो एजुकेशन वाला ऑप्शन आ गया, इसमें आ रहा है व्यू ऑल, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स, इसमें पूरे जितने भी बोर्ड हैं ऑल इंडिया, उनके सब के नाम आ जाएंगे। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करने के बाद में अब 10th की या 12th की जो भी मार्कशीट डाउनलोड करनी है, तो 10th की करनी है तो 10th वाले पे और 12th की करनी है तो 12th वाले पे क्लिक करना है। तो अपने को 10th की डाउनलोड करनी है तो 10th वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स, अपने सामने ये इंटरफेस आ जाएगा और इसमें कैंडिडेट का नेम मांग रहा है। नेम वही डालना है जो आपकी मार्कशीट में है, यहाँ पे नेम भर देना है। उसके बाद में रोल नंबर भर देना है। रोल नंबर भरने के बाद में फ्रेंड्स, ईयर आ रही है तो फ्रेंड्स, इसमें 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020, इन ईयर की ही आप मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हो। अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 7 साल की ही मार्कशीटें डिजी लॉकर पे अपलोड की है, तो 2014 से लेके 2020 तक के बीच की भी
के बीच की ही मार्कशीट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले कि अभी आप डाउनलोड नहीं कर सकते, उनके लिए अभी यहाँ पे मार्कशीटें अपलोड नहीं की गई। जब अपलोड की जाएगी मैं आपको उसके बारे में अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। तो मुझे 10वीं की निकालनी है, तो मैं यहाँ रोल नंबर भर देता हूँ, ईयर भर देता हूँ और कैंडिडेट का नेम भर के यहाँ पे क्लिक करके गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैं ये प्रोसेस कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, पूरी डिटेल भरने के बाद में गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, योर क्लास 10th मार्कशीट इज सक्सेसफुली सेव्ड इन योर इशू डॉक्यूमेंट। तो अपन इशू डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, वहाँ खोल के देखते हैं। यहाँ से सक्सेसफुल बता दिया कि आपका जो रिकॉर्ड है वो हमारे सिस्टम से मैच कर गया और आपकी मार्कशीट है वो इशू डॉक्यूमेंट में अपलोड हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ से इशू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करके फ्रेंड्स यहाँ आ गया आधार कार्ड जो मैंने पहले इशू कर रखा था, यहाँ आ गई क्लास 10th मार्कशीट। तो फ्रेंड्स इसमें मॉडिफाइड डेट आ गई, आज की डेट आ रही है। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, पीडीएफ पे क्लिक करके ये क्लिक हो गई डाउनलोड। फ्रेंड्स मार्कशीट डाउनलोड हो गई। और फ्रेंड्स जो अपनी मार्कशीट बन के आती थी उसमें नीचे ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो बारकोड आ रहा है और एक लिखा हुआ रहा है डिजी लॉकर वेरीफाइड और ये डिजिटल सिग्नेचर, ये उसमें नहीं आता है। लेकिन दोस्तों ये इसमें आएगा क्योंकि अपन ने डिजी लॉकर से निकाली है, तो ये डिजी लॉकर वेरीफाइड है। इसको आप कहीं पे भी यूज ले सकते हो, ये बिल्कुल लीगल है, अनलीगल नहीं है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।